बिहार टुडे न्यूज, हम हैं बिहारियों की आवाज, क्योंकि हम हैं आज का बिहार। बिहार का सबसे पहले खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। औरंगाबाद में व्यवहार न्यायालय एवं दौद नगर अनुमंडल कोर्ट में 11 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत लगाई जाएगी। लोक अदालत की सभी तैयारी पूरी कर ली गई है। वहीं आज प्रेस वार्ता में एडी जेसा जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव प्रणव शंकर ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर व्यवहार न्यायालय में 7 एवं दौद नगर कोर्ट में 2 बेंच का गठन किया गया है। सभी बेंचों पर न्यायिक पदाधिकारी के साथ पैनल अधिवक्ता एवं सहायकों की तैनाती की गई है। राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक वादों का निष्पादन कराने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए चिन्हित वादों के करीब 2500 कारों को नोटिस से सूचना दी गई है। सचिव ने बताया कि सुलहनीय आपराधिक वाद, दीवानी, मोटर, पारिवारिक, दुर्घटना, श्रम, भू अर्जन, बैंक ऋण, चेक बाउंस के मामले के अलावा अन्य सुलहनीय वादों का लोक अदालत में निष्पादन कराया जाएगा। कहा कि मोटर, दुर्घटना वाद एवं चेक बाउंस के अधिक से अधिक मामलों को निष्पादन कराने का लक्ष्य रखा गया है। बैंक ऋण वाद में करीब 8 करोड़ सेटलमेंट का लक्ष्य रखा गया है। ग्राम कचहरी के वादों को भी निष्पादन किया जाएगा। बताया कि इस लोक अदालत की सफलता के लिए जिला एवं सत्र न्यायाधीश कृष्ण मुरारी शरण डीएम एसपी के अलावा संबंधित विभागों एवं बैंकों के अधिकारी के साथ बैठक की है। अधिक से अधिक वादों का निष्पादन कराने का निर्देश दिए हैं। सचिव ने बताया कि लोक अदालत में समझौते के आधार पर मामलों का निष्पादन होना है। पीड़ित को बिना किसी खर्च के त्वरित न्यायालय मिलता है। सचिव ने कहा कि जो लोग अपने वादों को लोक अदालत के माध्यम से खत्म कराना चाहते हैं, वे जिला विधिक सेवा प्राधिकार के कार्यालय में आवेदन दे सकते हैं। लोक अदालत का स्ट्रेस। औरंगाबाद से मंटू ठाकुर की रिपोर्ट। माननीय उच्चतम न्यायालय के नालसा के द्वारा दिए गए निर्देश के आलोक में इस बार का लोक अदालत का मूल भाव चेक के मामलों का निपटारा है। हम लोगों ने प्रयास किया है, लोक अदालत ने लगातार प्रयास किया है जिला विधिक सेवा प्राधिकार कि ज़्यादा से ज़्यादा चेक के मामले सॉल्व हो। पिछली बार एक भी मामला सॉल्व नहीं हुआ था, लेकिन ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि अब तक हम लोग 5 से 7 मामलों का ऑलरेडी निस्तारण कर चुके हैं और आगे भी बाकी बचे 4 दिन में और भी मामलों को हम लोग सॉल्व कर सकेंगे। बिजली के मामले सर गया में सर केस सुनाया था सर। हाँ, मैं आप लोगों के मार्फत बताना चाहूँगा कि बिजली के मामले नो डाउट लोक अदालत में देखे जाते हैं, परंतु बिजली का चूँकि विशेष न्यायालय गया में है, औरंगाबाद जिले की का भी विशेष न्यायालय, इसलिए यहाँ के बिजली चोरी के मामले गया स्थित न्यायालय में देखे जाएंगे। हम लोग बिजली के बिल संबंधी मामलों जिनमें क्रिमिनल केसेस नहीं है, उन मामलों को हम यहाँ निस्तारण करेंगे। धन्यवाद।